देखो, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आखिर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है एंड साउंड आप लोगों का ट्रैवल कैसे करता है, राइट? आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है कि हम लोग ह्यूमंस या हम एनिमल्स जिस कान के वाया हमारी बॉडी के अंदर साउंड जाता है, ये बेसिकली कान हमारा कैसा है। तो जब आप 9th क्लास में आएंगे ना, साउंड चैप्टर आपको फिर से रहेगा, ज़्यादा डिटेल में रहेगा। तो अभी फिलहाल आप लोगों के साउंड के चैप्टर में जो आपका कान है, आपका जो ईयर है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल फंक्शनिंग या डिटेल इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं दिया है, ठीक है? बट जब आप बड़े हो जाएंगे, क्लास 9th में आएंगे, तो क्लास 9th में यही चीज़ आप लोगों को क्या दी गई है, काफ़ी डिटेल में दी गई है। हमारा क्लास 8 उतनी ज़्यादा डिटेल एक्चुअली परमिट नहीं करता। तो खैर, जितना भी परमिट करता है थोड़ा पढ़ तो लें। तो यार, कान को हमने सभी ने बहुत अच्छे से देखा है। अगर हम अपने कान नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने बाजू वाले के कान देख लो। कान बेसिकली फनल के जैसा होता है। फनल का मतलब जो बाहर से ऊपर से आपको बहुत ब्रॉड दिखेगा और धीरे 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 वो क्या होता जाएगा, आपका छोटा होता जाएगा, टैपर होता जाएगा, है ना? अंदर से उसे हम लोग कहते हैं आप लोगों का फनल। तो हम लोगों का जो ईयर होता है, हमारे ईयर के आउटर पार्ट के बारे में देखो बातचीत की गई है कि हम लोगों के ह्यूमंस के जो ईयर्स होते हैं, इसका आउटर पार्ट एक किसके जैसा होता है, फनल के जैसा होता है। और फिर वो फनल के मतलब कान के अंदर की बात कर रहे हैं, कान के अंदर एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम, ठीक है? जिसे आपने कभी अपने घर में सुना भी होगा कि कान के अंदर हमें कभी कोई भी ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए। क्यों? और ज़्यादा अंदर तक भी हमें अपनी कान की क्लीनिंग करते वक्त पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करते हो तो आपका ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है ये आपकी डैमेज हो जाती है, ये आप लोगों की हर्ट हो जाती है ना? तो जो थिन मेम्ब्रेन हम लोगों के कान के अंदर होती है, जो कि आपकी स्ट्रेच्ड होती है टाइटली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहती हैं। और यही ईयर ड्रम की मदद से हम लोगों को क्या होता है, चीज़ें सुनाई आती हैं। अगर किसी रीजंस की वजह से आपके कान का ये ईयर ड्रम अगर डैमेज हो जाता है तो हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है वो भी क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा मैडम, कैसे? देखो, इस चीज़ को समझाने के लिए कि हमारे कानों के अंदर ये ईयर ड्रम किस तरीके से काम करता है, एक बहुत ही प्यारी सी एक एक्टिविटी ली गई है। इस एक्टिविटी को आप और भी अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो, बट एक छोटी सी एक्टिविटी ली गई है, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। क्या है मैडम ये एक्टिविटी? देखो, होता कैसा है कि जब हम लोगों की मम्मियाँ हमारा टिफ़िन पैक करती हैं, अगर मान लेते हैं कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनी है, तो देखना यूजुअली वो लोग टिफ़िन में अगर प्रॉपर तरीके से उसे पन्नी वन्नी लगा कर पैक ना करें, मतलब अगर उन्होंने सिंपली ग्रेवी वाली सब्ज़ी रखी, डब्बा बंद किया, दे दिया, तो जब आप हिलोगे डुलोगे, बैग उल्टा करोगे पुल्टा करोगे, देखना धीरे धीरे ग्रेवी लीक आउट होती है और आपके कपड़े, आपकी किताबें वगैरह वगैरह सब खराब हो जाते हैं। तो वो उसके ऊपर क्या करते हैं, उस पर टिफ़िन का डब्बा, जो ऊपर का टॉप डब्बा होता है, उसको पैक करने से पहले उसके ऊपर पन्नी लगा देते हैं रबर बैंड से, और फिर उसके ऊपर डब्बा पैक करते हैं। क्यों? ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल या कोई ग्रेवी लीक आउट ना हो। तो वैसे ही देखो, ये लड़का है, इसने एक छोटा सा डब्बा लिया है, ठीक है? ये मान लेते हैं इसका डब्बा है, ऊपर से ये जो डब्बा है ये ओपन है, मतलब ऊपर में कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगा है। इसने क्या किया, आप लोगों का एक बलून लिया, बलून जब फूट जाता है ना, कैसा हो जाता है, वैसा एक फूटा हुआ उसने बलून लिया। इस बलून को खींच कर, एकदम टाइटली खींच कर, इसने इस पर्टिकुलर ओपन वाले पार्ट को इस तरीके से क्या कर दिया, ढक दिया, और इसके आजू बाजू रबर बैंड लगा दी ताकि वो बलून निकल ना जाए, ठीक है? जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी लोग पैकिंग करती हैं, उन्होंने यही किया। और उन्होंने, उसने पता है, इसके बाद उसका और मन नहीं भरा,
उस लड़के ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इस बलून के ऊपर हम लोग छोटे छोटे दाने रख लेते हैं, चावल के दाने, गेहूं के दाने, है ना। वैसे नहीं, चावल गेहूं तो खैर बहुत भारी हो जाएगा, मुरमुरा, मुरमुरा जानते हो किसे कहते हैं, बस वो मुरमुरा वगैरह रख दिया, है ना। ओके ठीक है, अब होगा क्या, फिर जो नीचे से, नीचे ना ये जो आप लोगों का कंटेनर है बराबर, ये वाला आप लोगों का जो कंटेनर है, यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं, सच दैट कि अगर आप यहाँ से अपना मुंह डालकर कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो हवा अंदर जाएगी, तो यहाँ से क्या होगी, एयर अंदर जाएगी। तो वो ये कहता है कि जब मैं दूसरे एंड से फूंक मार रहा हूँ या दूसरे तरह से जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो वो जो हवा है वो उस होल के वाया उस डब्बी के अंदर गई, और डब्बी के अंदर जाने के बाद वो इस बलून को अंदर से हिट कर रही है हवा, और जब बलून को अंदर से हवा ने हिट किया तो बलून की मेम्ब्रेन भी हिट हो रही है, और क्योंकि मेम्ब्रेन उसकी हिट हो रही है तो उसके ऊपर जो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से आपने मुरमुरे के दाने रखे हैं, ये नाच रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब आपका साउंड नीचे से आया तो उसने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए, उसके वाइब्रेशंस ने उस मेम्ब्रेन को हिट किया, और मेम्ब्रेन के अंदर खुद भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए। मैडम हमें कैसे पता कि वो जो आपने बलून वाली मेम्ब्रेन रखी है उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, आपको कैसे पता, आपको किसने बताया? तो यार मैंने उसके ऊपर जो मुरमुरे के दाने रखे थे, वो मुरमुरे के दाने नाचने लगे अप एंड डाउन, दिस प्रूव्स दैट कि वहाँ पे मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो वाइब्रेशंस उस मुरमुरे के दाने को भी फील हो रहे हैं, इसीलिए मुरमुरे का दाना क्या कर रहा है, अप डाउन डांस कर रहा है। तो हमारे कान के अंदर जो फनल, जैसे हमारे कान में गड्ढा है ना, ये गड्ढा उसी होल के जैसे, जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरे मुँह से जो शब्द निकलते हैं, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वो आपके कान के गड्ढे तक जाते हैं, कान के गड्ढे से अंदर जाते हैं, और आपके कान के अंदर में भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, उस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पे जाके क्या करते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं, वहाँ पे आपकी ईयर ड्रम क्या होती है, उस वाइब्रेशंस की वजह से वहाँ पे ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होने लगती है, जैसे कि वो बलून आपका क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ। फिर जो आपका ड्रम है, ठीक है, जो आपका ईयर ड्रम है, जो आपकी कानों के अंदर जो बलून जैसी एक मेम्ब्रेन है, बल्कि बलून से भी बहुत पतली, बहुत नाजुक मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये आप लोगों का लेट से होल है, यहाँ पे आप लोगों की मान के चलिए मेम्ब्रेन है, यहाँ से साउंड आ रहा है, ये पर्टिकुलर साउंड इस ईयर ड्रम को हिट कर रहा है, इसके अंदर ईयर ड्रम के अंदर, है ना, ईयर ड्रम के अंदर हमारे कान को कहा जाता है इनर ईयर, ठीक है, ये रहा आप लोगों के इनर ईयर का स्ट्रक्चर, जो कि आप क्लास 9th में जब आएंगे तब आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो आप लोगों को एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली आप लोगों का ईयर ड्रम है। तो ये जो वाइब्रेशंस, यहाँ देखो, बाहर मैंने बोला, मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं मेरे माउथ से कुछ बोल रही हूँ, तो जो हवा है उस हवा में वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, वाइब्रेशंस उस होल से अंदर जाएंगे, फिर वो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम में प्रोड्यूस होंगे, ईयर ड्रम से वो इनर ईयर में जाएंगे, जिसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल 9th क्लास में पढ़ेंगे, और फिर यहाँ से यही आपके सिग्नल ब्रेन को जाता है, और ब्रेन उसको क्या करता है, आपका ऑब्जर्व करता है, डिसीजन लेता है कि अच्छा ये जो सिग्नल्स आए हैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मैडम हमारे ब्रेन को कैसे पता कि जो फलानी चीज़ के वाइब्रेशंस आ रहे हैं ये कौन से शब्द हैं। तो बचपन से हमारा ब्रेन, जब से आप पैदा हुए हो, अलग अलग प्रकार के जो साउंड सुन रहा है उससे वो यही तो ट्रेनिंग ले रहा है, बस ख़त्म। तो यही आपका सिलेबस था, किसको लेकर, ह्यूमन ईयर को लेकर, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा डिटेल में नहीं था। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में कब मिलेंगी, जब आप नेक्स्ट ईयर 9th क्लास में आएंगे। अब हम लोग कल की हमारी क्लास में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे,
जिसमें हम एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लाउडनेस एंड पिच, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे डिस्कशन को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं।